नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरकीरत सिंह आलूवालिया। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिमाचल के सीएम को लेकर बीजेपी में कवायद तेज चल रही है। हिमाचल के सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, यानी सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हिमाचल में सीएम के नाम को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रदेश के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और सुरेश भारद्वाज के नामों की सीएम के लिस्ट में ये लोग सबसे ऊपर हैं। सीएम के नाम उस वक्त मुहर लगेगी जब केंद्रीय ऑब्जर्वर शिमला जाकर जीते हुए उम्मीदवार से राय लेंगे। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रेम कुमार धूमल के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हो गए हैं। 5 बार के विधायक जयराम ठाकुर को भी मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। जयराम ठाकुर हिमाचल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं सुरेश भारद्वाज और राजीव बिंदल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इन दोनों की दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के पास हिमाचल के मुख्यमंत्री को लेकर वीटो पावर है और आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। इसको लेकर अजय जायसवाल का नाम रेस में है। पार्टी ने निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर को सीएम की खोज का जिम्मा सौंपा है। दोनों नेता गुरुवार को शिमला जा सकते हैं और पार्टी के विधायकों के साथ अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं और विधायकों की राय जान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि गुरुवार को हिमाचल प्रभारी मंगल पांडे शिमला पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने 44 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिता करके प्रदेश की विधानसभा में भेजे हैं। ये 44 के 44 विधायक एक से एक योग्य हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रदेश के चुने हुए विधायक करेंगे। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय नरेंद्र तोमर जी वो दो पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए नियुक्त हुए हैं। माननीय प्रभारी जी का आज शाम को आने का तय हुआ था, आज शाम को ना आ पाए तो वो कल हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। उनके आने के बाद ही सारे का सारा ये प्रोसेस को जो है ना वो अंजाम दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मंगल पांडे के आने के बाद केंद्रीय ऑब्जर्वरों का कार्यक्रम तय होगा और हिमाचल के सीएम को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। माननीय प्रभारी जी जब हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो वो यहाँ पर सारे का सारा विधायकों की बैठक कितनी तारीख को होगी वो भी तय करेंगे और वो जो हमारे पर्यवेक्षक है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि उन्हें कब आना है और कब जो है ना बैठक को अंजाम देना है। ये वो आकर के ही इसका निर्णय करने वाले हैं। इस बीच बीजेपी के विजयी उम्मीदवार का शिमला पहुंचना जारी है। कई बीजेपी नेता शिमला पहुंच चुके हैं। लाहौल संपीति से जीतकर आए बीजेपी के नेता रामलाल मार्कंडे भी शिमला में हैं। जब उनसे पूछा गया कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा तो उनका कहना था कि पार्टी हाईकमान इसके बारे में फैसला लेगी। वैसे हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 4 लोगों के नाम चले हैं, जो शिमला के हमारे विधायक हैं सुरेश भारद्वाज जी जो 4थी बार विधायक बने हैं, सिराज के विधायक श्री जयराम ठाकुर जी हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चंद्रमोहन जी जिनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश चुनाव लड़ा गया उनका नाम भी चल रहा है। जो हमारे पार्टी के हाईकमान जो फैसला करेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मुझे लगता है पार्टी जो है जो फैसला करेगी सारे विधायक उनको मानेंगे।
धर्मपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी नेता महेंद्र ठाकुर से जब हिमाचल सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था जो भी आला कमान का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। राष्ट्रीय हाईकमांड भारतीय जनता पार्टी की जो भी फैसला करेगी वो चुने हुए 44 विधायक जो हैं उस फैसले का सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ साथ जो भी अगला हमारा चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाएगा हम उसके साथ होंगे। बीजेपी नेता गोविंद राम शर्मा का कहना है जो केंद्रीय लीडरशिप तय करेगी वो फैसला सभी को स्वीकार होगा। जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका तय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने सीएम की तेज होती कवायद पर बयान दिया है। मैं इस दौड़ में नहीं हूं, हिमाचल प्रदेश में और बहुत से नेता हैं जो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं और उनपे विचार पर चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है, हाईकमांड कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान ले लेना है और इनमें से किसी नाम को लेकर ऐलान से पहले विधायकों का मन भी टटोलना जरूरी है, इसलिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को हिमाचल भेजा गया है जहां वो विधायकों की राय जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सीएम के नाम की घोषणा होगी। शिमला से शरद अवस्थी की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, सीएम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और देखना होगा कि राजनीति की तस्वीर धीरे धीरे जो धुंधलापन इस राजनीति की तस्वीर में है और जो मिटता जा रहा है और जो सीएम के नामों की चर्चा लगातार होती जा रही है, आखिरकार सीएम बनेगा कौन, इसको लेकर MH1 न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। हिमाचल सीएम पर सस्पेंस जारी, देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार और कौन सा नेता किस पर होगा भारी। ये जो धुंधली तस्वीर है राजनीति की ये जल्दी सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश का सीएम बनेगा कौन। दिसंबर के महीने में शिमला में ठंड तो बहुत देखी जाती है, बर्फबारी देखी जाती है, लेकिन जो ये सियासत का टेम्परेचर है उसमें कितना बदलाव आया, जो सियासत की गर्मी हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है उस टेम्परेचर में क्या कुछ नया माहौल है ये जानने की कोशिश भी कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद अवस्थी शिमला से मौजूद हैं और दो दिन से लगातार वो भी ग्राउंड लेवल पे पत्रकारिता कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का सीएम होगा कौन। शरद, क्या कुछ माहौल बना हुआ है शिमला के अंदर और राजधानी के अंदर और हिमाचल के अंदर? जाहिर सी बात है ठंड तो यहाँ काफी ज्यादा है, सियासी गर्मी तो भी ज्यादा हो रही है, लेकिन तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। एक बार फिर से मैं बता दूं तमाम दर्शकों को और सबसे खास बात है, लेकिन बर्फबारी जिस तरह हल्की रात आप कह रहे हैं बर्फबारी फिलहाल शुरू नहीं हुई है और बर्फबारी का इंतजार यहाँ जो पर्यटक आए हैं वो कर रहे हैं, हो सकता है अगले कुछ दिनों में बर्फबारी भी हो जाए। आपको सियासत की बात कर लेते हैं, आज दिन भर यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला जारी रहा, हालांकि ये खबर भी मिली कि बीजेपी की ओर से अभी विधायकों को शिमला में नहीं बुलाया गया है, लेकिन संगठन के लोगों से मिलने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने तमाम विधायकों से बातचीत भी की और विधायकों ने यही बात कही कि आला कमान जिसे भी तय करेगा, जिसका नाम भी तय करेगा, उसके नाम पर मोहर यहां पर लग जाएगी। लेकिन इस बीच यहां पर जो इंतजार हो रहा है, सबसे पहले इंतजार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी मंगल पांडे कब आएंगे। पहले यह था कि आज शाम तक या रात तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह 9-10 बजे तक मंगल पांडे पहुंच सकते हैं यहां पर और उसके आने के बाद ही सियासी जो चहलकदमी है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी। सबसे पहले प्रभारी मंगल पांडे यहां पर आएंगे और उसके बाद वो नेताओं के साथ बैठकर जो यहां पर संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठकर कल सतपा सत्ती जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन क्योंकि अध्यक्ष हैं इसलिए वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सतपाल सत्ती यहां पहुंचने वाले हैं, रात तक सतपाल सत्ती पहुंच जाएंगे, उसके बाद कल कुछ नेता बैठकर प्रभारी अध्यक्ष और तमाम दूसरे नेता बैठकर यह तय करेंगे आखिरकार कब शिमला से में विधायकों को बुलाया जाए और केंद्रीय पर्यवेक्षक कब आएंगे, यह प्रोग्राम भी कल तय किया जाएगा। तो एक बार यह प्रोग्राम तय हो जाएगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण का भी शिमला में इंतजार हो रहा है, नरेंद्र तोमर जी का भी शिमला
शिमला में इंतजार हो रहा है, तो उनका प्रोग्राम फिक्स किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से विधायकों को बोला बताया जाएगा, 44 विधायक जो चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम विधायक उसके बाद शिमला में आएंगे, उनके साथ बैठ कर केंद्रीय पर्यवेक्षक नामों को देंगे या फिर उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार कौन से नाम है या जो नाम चल रहे हैं, डिस्कशन होगा। उसके बाद उनका मन टटोलने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो वापस दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद केंद्रीय आला कमान जो है वो तय करेगा कि आखिरकार कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। और तमाम जो नाम यहां पर लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए, उनमें से किसी एक चेहरे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरकिरत शरद, हिमाचल प्रदेश में अगर हम कहीं भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो तस्वीर बहुत साफ आती है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में अगर हम राजनीति की तस्वीर की बात करें तो थोड़ी सी धुंधली हुई है, लेकिन लगातार साफ होती हुई अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रही है। आप 24 घंटे से वहां हैं, 2 दिन से वहां पर हैं, तो क्या फेरबदल देख रहे हैं वहां पर? आपको क्या लगता है कि आने वाले 24 घंटे में क्या देखने को मिलेगा इस राजनीति की तस्वीर में? जो धुंधलापन है वो धीरे धीरे जो साफ हो रहा है, क्या दिख रहा है इस तस्वीर के पीछे आपको? बिल्कुल, जब यहाँ पर सूरज निकलता है तो बहुत ही साफ तस्वीर आती है, लेकिन जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, थोड़ी धुंध हो जाती है, तस्वीर थोड़ी सी धूमल हो जाती है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी धूमल तस्वीर है और यहाँ पर अब तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जो नाम यहाँ पर जोर शोर से आगे उठे हुए उनके बारे में एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं। जेपी नड्डा जी का नाम आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विधायक जीत कर आए हैं यानी 44 विधायकों में से जो नाम सबसे ऊपर है उसमें नाम शामिल है जयराम ठाकुर जी का। जयराम ठाकुर जी विधायकों की भी पसंद यहाँ बताए जाते हैं और नम्र स्वभाव के काफी हैं, तो ऐसे में उन्हें पसंद करने वाले लोग भी हैं। 98 में पहली बार वो जीते थे विधानसभा चुनाव को, उसके बाद से लगातार वे विधायक बनते आ रहे हैं। और खासकर मंडी जिले की बात कर लें तो ये कांग्रेस का गढ़ ये पूरा इलाका माना जाता था, लेकिन इस बार मंडी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। मंडी जिले की बात करें तो यहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं जब तय करेगी केंद्रीय आला कमान तो यह भी देखेगी कि आखिरकार ये जो नेता है इनका अपने इलाके में किस तरह का प्रभाव है। तो मंडी में अगर इतनी बड़ी जीत मिली है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जयराम ठाकुर का नाम भी माना जा रहा है, तो उनका प्रभाव काफी ज्यादा है, इस बात को भी केंद्रीय आलाकमान देखेगा। एक जो सीट नहीं मिली है वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि बिना शर्त वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर की बात करें तो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वहां पर भी काफी अच्छा काम किया था, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस बार बीजेपी की सरकार भी बनी थी, तो कहीं ना कहीं ये रुतबा भी उनके हाथ में हासिल है। और अब तक जब संसद में विधानसभा में जब भी वो बोले हैं, अपनी बात को रखा है, तो बहुत नम्र अंदाज से रखा है, आज तक कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी किसी विवाद में नहीं फंसे। तो ऐसे में छवि इतनी अच्छी है कि तमाम जो विधायक चुनकर आए हैं, और एक सबसे खास बात है कि संघ के करीबी भी हैं, एक ठाकुर नेता भी हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो ठाकुर नेताओं के इर्द गिर्द रहती है, और क्योंकि इतने बड़ी तादाद में यहां पर ठाकुर मतदाता भी हैं, तो ऐसे में किसी ठाकुर नेता को अगर आगे करने की बात आई प्रेम कुमार धूमल जी के बाद, तो यहां पर जयराम ठाकुर का नाम लिया जा रहा है। और उस रेस में हिमाचल प्रदेश में जो तमाम नेता हैं जो विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं उसमें जयराम ठाकुर का नाम सबसे आगे है। शरद, अगर हम वापस प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें तो कैप्टन थे और सारे विधायक उन्हीं की अगुवाई में लड़े थे, ये मैच लड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डक पर आउट हो गए। लेकिन अब जो सिलेक्टर्स हैं, क्या उनको सोचा जा रहा है कि उनके नाम पर वापसी सहमति जो है वो बन सकती है? ऑब्जर्वर्स आएंगे, प्रेम कुमार धूमल को लेकर क्या आस्था है हिमाचल प्रदेश के लोगों की? देखिए, प्रेम कुमार धूमल जैसा नेता डक पर आउट नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, तो अगर वोट पड़ा है तो उनके चेहरे को देखकर पड़ा है। 48 घंटे बीत चुके हैं रिजल्ट आए हुए को, लेकिन अब अगले 24 घंटे में क्या होगा ये भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी शरद अवस्थी पीटर हॉक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं शिमला से। शरद, अगर हम बात करें अगले 24 घंटों की, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा इस राजनीति की तस्वीर में? जाहिर सी बात है, अगले 24 घंटों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो प्रभारी हैं प्रदेश के मंगल पांडे, वो पहुंचने वाले हैं शिमला। यहाँ पर वो तमाम जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह बीजेपी अध्यक्ष भी सतपाल सत्ती भी यहाँ पर आने वाले हैं, और तमाम जो दूसरे और बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे मिलकर बातचीत करेंगे, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जब आएंगे और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं इनकी मीटिंग कब होनी है, किस तरह से होनी है, पूरी योजना तैयार की जाएगी। कल मंगल पांडे जी के आने के बाद लगभग साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये मीटिंग कब होगी। हो सकता है कि उनके पास दिल्ली से क्योंकि आ रहे हैं कुछ नाम भी हों, डिस्कशन भी करें किस तरह से विधायकों के सामने रखना है, और उसके बाद इन तमाम विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से बुलाया जाएगा।
कि तमाम जो विधायक हैं वो जो जिनका शिमला में आवास है या फिर जो अपने तमाम लोगों से मिलना चाह रहे हैं, संगठन के लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है, लेकिन ज़्यादातर विधायक जो है जीते हुए वो अभी अपने अपने क्षेत्र में हैं और उन्हें बुलाया नहीं गया। और आज हमारी तमाम लोगों से बात हुई और प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई बीजेपी की, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी हमने किसी विधायक को शिमला नहीं बुलाया है और जब एक बार पूरे कार्यक्रम तय हो जाएगा उसके बाद हम शिमला बुलाएंगे। मंगल पांडे जी के कार्यक्रम आने के बारे में भी कहा जा रहा था, कल से बात चल रही थी कि कल पहुंच सकते हैं, यहां से कुछ विधायक जा सकते हैं, लेकिन यह तय है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक शिमला में आएंगे। यहां से कोई विधायक या किसी नेता को दिल्ली तलब नहीं किया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण जी और इसी के साथ साथ नरेंद्र तोमर जी वो पहुंचेंगे प्रदेश की राजधानी शिमला में और यहां पर बैठ के विधायकों के साथ एक मंथन होगा। हाँ, यह हो सकता है कि वो कुछ नाम लेकर वहां पर आए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं उनसे बातचीत उनकी हुई है, उनके साथ कई बैठक हुई है, हो सकता है कुछ नाम भी हो सकता है कि कुछ नाम लेकर वो यहां पर आए और विधायकों के सामने वो नाम रखे जाए। ये नाम शीर्ष नेतृत्व ने तय किए हैं, आप इस पर क्या विचार रखते हैं, उनसे पूछा जाए, दो तीन नाम रख सकते हैं, कौन अच्छे कौन बुरे, हो सकता है कि विधायकों के दिल में भी कुछ बात हो, वो बात भी वो अपने पर्यवेक्षकों के सामने रखें और ये तमाम बातें लेकर इन तमाम बातों का मंथन निकाल के कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक होगी, इन तमाम बातों को बताया जाएगा और उसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि आखिरकार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। हरकिरत, बिल्कुल शरद, बिल्कुल सस्पेंस जो है लगातार जारी है और वेट हो रही है मंगल पांडे की, जब वो पहुंचेंगे उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन शरद, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से जाके बात कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप गए हैं, अगर जो भी CM बन के आता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो क्या लगता है कि CM को आना चाहिए, जब बनने के बाद जब वो कुर्सी संभालेंगे तो उनको ये सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, सबसे खास बात यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा घोषणा पत्र अपना लाया था और तमाम बातें की थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात की थी, कानून व्यवस्था की बात की थी। प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव आने से पहले भी बार बार ये बोले थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे, इसके बाद हम बात करें सड़कों की, बात करें सड़कों की स्थिति अच्छे करेंगे, सड़कों वाले मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ये दो चीज़ें सबसे ऊपर रहेंगी क्योंकि जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी ये तमाम बातें जोर शोर से उठाई गई थी। महिलाओं की सुरक्षा की बात यहाँ पर की गई थी, गुड़िया के साथ जो कुछ कोटखाई में, इस मुद्दे को भी लगातार हिमाचल प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। लेकिन एक बहुत खास चीज हिमाचल प्रदेश में है, टूरिज्म का विकास किस तरह से हो सकता है, कौन कौन सी नई नीतियां लेकर आएंगे, कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में हम दिखाएं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आए। कुछ केंद्र से भी पैकेज मिलने की बात थी, सड़कों की बात की जा रही थी, शिमला की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध पेयजल की समस्या भी है। ये तमाम चुनौतियां हैं सरकार के सामने। आपने हर जगह एक्स फैक्टर का नाम सुना होगा, आज हम आपको एस फैक्टर के बारे में बताते हैं। जी हां, शिमला सियासत और सिकंदर, कौन होगा शिमला और हिमाचल प्रदेश का सिकंदर, ये जानना बेहद जरूरी है। और कौन जाएगा मुख्यमंत्री निवास के अंदर, मुख्यमंत्री दफ्तर के अंदर, ये बेहद अहम सवाल जो बने हुए हैं, जिसके लिए हम लगातार इस पेशकश में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। राजनीति का मैदान हो चाहे फिर वो खेल का मैदान हो, टॉप थ्री जो होते हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं, जिनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। MH1 न्यूज़ की टीम क्या कहती है, MH1 न्यूज़ जो लगातार पत्रकारिता वहाँ पे कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट MH1 न्यूज़ को देखने को मिली, वो भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शरद अवस्थी लगातार मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी शिमला में, टॉप थ्री की अगर हम बात करें तो वो भी शरद से जान लेते हैं। शरद, हर मैदान में टॉप थ्री हमने देखा है, अगर आपका की अगर हम बात करें, आपके व्यक्तिगत अगर हम राय की बात करें, और आपने क्या टटोला और क्या लगता है कि टॉप थ्री में कौन कौन होगा? देखिए, टॉप थ्री की बात करें तो JP नड्डा यहाँ पर टॉप थ्री में, मैं एक दो तीन तो नहीं देता लेकिन कैटेगरी बता दूं कि कौन से तीन नेता टॉपर दिखाई पड़ रहे हैं। JP नड्डा टॉपर दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ बात करें जयराम ठाकुर की तो वो टॉपर दिखाई पड़ रहे हैं, और तीसरे में मैं दो तीन नेताओं को रखना चाहूंगा, इनमें से प्रेम कुमार धूमल भी रहेंगे। प्रेम कुमार धूमल को मैं इसलिए रखना चाहूंगा कि हालांकि वो चुनाव हार गए लेकिन उनका चेहरा जो था वो रखकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत भी मिली है, तो उनका चेहरा भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएं, जब चुनाव के पहले हम वहां पर थे
थे और जब उनका नाम घोषित किया गया तो लोगों से ताकि हम बातचीत करते थे, पूछते थे कि प्रेम कुमार धूमल जी का नाम घोषित करने के बाद क्या आप असर देखते हैं, बीजेपी को फायदा मिलेगा? तो लोग कहते थे हाँ, ये अच्छा किया कि प्रेम कुमार धूमल जी का नाम सामने कर दिया, अब हमें पता है कि हमें किस फेज पर वोट डालना है और हम जिसे वोट डालने वाले हैं मुख्यमंत्री बनेगा, ये सोचकर भी लोगों ने वोट दिया था, तो वो टॉप थ्री में शामिल है। इसके अलावा बात करें कुछ और नेताओं की, तो मैं तीसरी कैटेगरी में कई लोग को रखना चाहूंगा, सुरेश भारद्वाज की बात कर लें या फिर राजीव बिंदल की बात कर लें, तो ये भी तमाम ऐसे नेता हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं और बड़े बड़े मंत्रियों को पराजित किया है, ये बहुत खास बात है। और सबसे खास बात है कि कई कैबिनेट मंत्री यहां पर हार रहे हैं, कौल सिंह ठाकुर जैसा बड़ा नाम यहां पर हार गया और यहां पर कहीं ना कहीं जीएस बाली जैसा नाम हार गया। जीएस बाली जी से हमारी बातचीत हुआ करती थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। जीएस बाली साहब ने कहा कि मैंने क्षेत्र में अपने काम करवाया है, मैं नहीं हार सकता इस इलाके से। लेकिन पिछली बार जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने थे और कूका साहब, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम मतों से हारे थे और इस बार बीजेपी ने उनको वोट दिया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा इस बार जीएस बाली साहब को। और भरमौरी साहब की बात करें तो वो अपना चुनाव हार गए हैं। इसी के साथ साथ कई दूसरे मंत्रियों को भी चुनाव में हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। बहुत कम मंत्री जीते हैं, सिर्फ बात करें मुख्यमंत्री की तो वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हासिल हुए हैं। शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम यहाँ कह सकते हैं यूथ जो है वो फैक्टर रहा? क्योंकि हर सूबे के अंदर हम देखते हैं जब यूथ सामने आता है और वोट देता है, जो राजनीति के सिरमौर होते हैं वो चुनाव हार गए हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उसका नुकसान जो है इन सिरमौरों को भुगतना पड़ा। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर एक विरोधी लहर चलती है तो हार का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, एक जो आम मतदाता है वो सोचता है कि 5 साल हो गए, अब दूसरे को मौका देते हैं। कि ये बात भी है, कांग्रेस की हार का ये बड़ा कारण कि 5 साल बाद, क्योंकि दूसरे को मौका देना है इसलिए हार जाते हैं। केंद्र में मोदी सरकार थी तो लोग ये भी सोचते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर एक होगी तो राज्य का विकास होगा, ये भी एक मुद्दा दिखाई पड़ा। दूसरी बात, तमाम मुद्दे उठाए भारतीय जनता पार्टी ने, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया।